हमारे बड़ौड़ा में एक डांस क्लासेस है और मेरे गुरु का नाम है मनु थापा गुड्डू राणा सर, के जिनके पास मैं पहली बार पहुंचा और मैंने बोला कि सर मुझे भी डांस सीखना है, आप मुझे भी कुछ स्टेप्स सिखाइए, मुझे भी डांस सिखाइए आप। तो सर ने पहले तो मुझे मना बोला कि यार तेरे पैर नहीं है, तू कैसे डांस कर पाएगा। सर ने मेरी रिक्वेस्ट से मुझे थोड़े बहुत कुछ स्टेप्स मुझे दिखाए, मुझे स्टेप सिखाए, फिर मैंने उनको देख के मैंने वो स्टेप्स को फॉलो किया। जब मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था, जब कोई क्लास पे इवेंट्स बुक करने के लिए आए तो तब मैं कॉर्नर में बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रहा था, तब उन्होंने सर को बोला कि यार वो लड़के को आप वो प्रोग्राम में लेके आना। मैं जब ऑडिशन दे रहा था उस वक्त मैं बड़ी सी कतार में खड़ा था और मेरे आगे पीछे बहुत अच्छे से डांसर थे, वो कई लड़के मुझको देख के हंस रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि बे लंगड़े तेरे पैर नहीं है, तू क्या देख के डांस का ऑडिशन देने आया है। आफ्टर डांस रनाज के बाद मेरी लाइफ बहुत सारी चेंज हो गई। जैसे डीआईडी में बोलते हैं कि तकदीर की टोपी, तो सही है कि तकदीर की टोपी के पहनने के बाद डेफिनेटली मेरी तकदीर चेंज हो गई है। और मैंने बहुत सारे कंट्रीज में मैंने परफॉर्मेंस किया, अमेरिका में मैंने 7 बार परफॉर्म किया, लंदन में मैंने 2 बार परफॉर्मेंस किया। जिंदगी को जीने का तरीका आना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन करूँ कि जहाँ पे ओनली फॉर फिजिकली चैलेंज बच्चे वहाँ पे परफॉर्म का ट्रेनिंग लेने के लिए आए और वो अपने आप का टैलेंट दिखाए और वो टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो परफॉर्म करे। जब तक आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं मिलेगी, जब तक आपको लाइफ में मुसीबतें नहीं आएगी, तो आप जिंदगी को समझ नहीं पाओगे और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कभी अपने आप को डिसेबल मत मानो, कभी अपने आप को विकलांग ना मानो और कभी अपने आप को किसी से छोटा मत समझो, क्योंकि अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जिंदगी एक संघर्ष है, यूं ही चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना।